लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन दोनों की सारे क्रिएचर अब इस फॉर्मेशन में कूदना शुरू कर देते हैं ताकि इस फॉर्मेशन में ब्रेक होने से पहले ये सारे क्रिएचर खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर से इस फॉर्मेशन को रिपेयर कर सके। मगर इनके ऐसा करते साशन एक चीज नोटिस कर लेता है जो ये था कि ये सारे क्रिएचर इतने बड़े फॉर्मेशन में सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट में ही जाके खुद को सेक्रीफाइस कर रहे थे। इसलिए साशन अब स्माइल करते हुए कहता है कि लो इस फॉर्मेशन का वीकनेस पॉइंट मिल गया। तब साशन इतना कहते हम देखते हैं कि फॉर्मेशन जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, यानी इस फॉर्मेशन का साइज बड़ा से बिल्कुल पहले की तरह छोटा हो जाता है, जिसे देखते ही सीएम मास्टर को पता चल जाता है कि साशन ने उसे साथ खेला कर दिया। दरअसल और बाकी लोगों ने जो अभी अभी देखा था कि ये फॉर्मेशन ब्रेक होने वाला या फिर एक्सप्लोज होने वाला, वो सब साशन का फैलाया हुआ भ्रम था। साशन ने दरअसल इस फॉर्मेशन के वीकनेस पॉइंट को ढूंढने के लिए इस इल्यूजन को क्रिएट किया था जो कि सक्सेसफुली भरोसे वालों के ऊपर काम भी कर गया। और अब ऊपर की ओर देखते हुए साशन कहता है कि मैंने ठीक ही कहा था, आउटर लिम की क्रिएचर वाकई में स्टूपिड होते हैं। जिस पर अब साशन लुएनफी से कहता है कि लुएनफी वो रहा वो वीक पॉइंट, इससे पहले कि ये लोग कुछ 19-20 करे जाके इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड है वरना ये लोग इस फॉर्मेशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तब लुएनफी ओके भाई कहते हुए सीधे ऊपर की ओर चला जाता है और इस वीकनेस पॉइंट के पास पहुंच के अपने ऑरा को अपेयर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब लुएनफी की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तब लुएनफी अब फुल रेज के साथ इस वीकनेस पॉइंट पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस धमाके से यहाँ पे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि साशन साइड के सुप्रीम तो बैठे बैठे और लेटे लेटे ही घिसक जाते हैं। लुएनफी के अटैक के बाद चारों तरफ का माहौल धुआं धुआं ही हो जाता है, लेकिन जैसे सब कुछ साथ होता है तो हम देखते हैं इस फॉर्मेशन में एक क्रैक बन चुका होता है, जिसे देखे व्हाइट सेल ड्रेन के बच्चा कहता है कि सेटूस ने हमारे साथ चीट किया, उस शालबाज फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ने हमें पागल बनाया। तब इसके इतना कहते ये पूरा फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर साशन अब अपनी पावर्स को डिसअपीयर करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ चीट किया, बदले में हमने भी तुम लोगों के साथ चीट कर दिया, अब ये फाइट हम लोग बिल्कुल फेयर तरीके से कर सकते हैं। तब ये यंग मास्टर कहता है कि शालबाज सुप्रीम तुमने दांतों काफी अच्छा खेला, लेकिन ये मत सोचो कि हम लोग तुम्हें डिफीट नहीं कर सकते, जिस पर ये दोनों भी यस लॉर्ड कहते हुए तन के खड़े हो जाते हैं। तब साशन साइड के सुप्रीम तो बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि कैसे लल्लू क्रिएचर है, इनका गाल तो हम लोग ही मिलकर लाल कर देंगे, जिस पर ड्राइन सुप्रीम कहता है कि चलो मजाक बहुत हो गया, अब कौन किसे धोएगा ये पहले पर साशन से डिसाइड कर लेते हैं। तब साशन कहता है कि तुम लोग दोनों किंग और बाकियों को लपेट लो, कोई भी क्रिएचर यहाँ से लौट के जाने न पाए, जिस पर ये ड्राइन सुप्रीम भी यस ब्रदर कहता है। तब साशन अपनी उंगलियां फोड़ते हुए कहता है कि व्हाइट सेल ड्राइन के बच्चे की आदमी सिचुएशन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा, हम लोग जब पहली बार मिले थे तब भी कुछ इसी टाइप का माहौल था, जिस पर यंग मास्टर बिना कुछ बोले बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तब इधर अब ड्राइंग सुप्रीम फुल जोश में कहता है कि किसी को भी छोड़ना मत, आज आउटर लम का कोई भी कमी ना बचना नहीं चाहिए, और इतना कहते ही अब आउटर लम और नाइन लम वालों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है, जिस पर साशन भी अपने ऑरा को अपेयर करता हुआ सबसे आगे खड़ा हो जाता है। तब इस मोमेंट पे अब लुएनफी पीछे काटने वाला था, वो भी अपने ऑरा के साथ रेडी हो जाता है, जिस पर अब इन दोनों को देखते हुए ये व्हाइट सेल ड्राइन का बच्चा भी अपने ऑरा को अपेयर कर लेता है, और अब यहाँ इन तीनों के बीच एक 2-1 वाली फाइट की वाइब आने लगती है। तब ये व्हाइट सेल ड्राइन का बच्चा पता नहीं किस मुंह से इन दोनों को एक साथ चैलेंज कर देता है और करते हुए कह रहा है तुम दोनों एक साथ आओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसे सुनते ही साशन सीधे इसकी ओर बढ़ती हुई कह रहा है कि इसकी तुम्हें, और इतना कहते ही साशन प्लग झपकते अपने पंच के साथ इसके पास पहुंच जाता है। मगर तभी यंग मास्टर भी अपने पावर से यूज करता हुआ अपने चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के बीच एक पावरफुल टकरार शुरू हो जाती है। तब कुछ देर के टकरार के बाद यहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से व्हाइट सेल ड्राइन का बच्चा साशन को पीछे धकेलने में सक्सेसफुल हो जाता है। तब पीछे की ओर आते हुए साशन कहता है कि वो तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिस पर इधर ये यंग मास्टर भी कहता है कि आखिर इंसान किस टाइप की कल्टीवेशन को कल्टीवेट कर रहा है, पहले की तुलना में तो इसकी पावर कई गुना तक बढ़ चुकी है, आखिर मेरे इतने पावरफुल डिफेंस के बावजूद भी इसे खरोंच तक क्यों नहीं आई। तब साशन फिर से आगे बढ़ते हुए कहता है कि व्हाइट सेल ड्राइन के बच्चे चलो अपने रियल फॉर्म में आ जाओ, इस फॉर्म में डूब जाओ देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, जिसे सुनते यंग मास्टर भी अब चिल्लाते हुए अपने व्हाइट सेल ड्राइन के फॉर्म में चला आता है। तब इस फॉर्म में इसकी पावर कई गुना और बढ़ जाती है, जिस पर अभी सीधा अपने पावर से इन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है,
तब शासन भी तुरंत ही अपने पंच को क्रिएट करता हुआ इसे अटैक की ओर भेज देता है, जिसकी वजह से अब इनके बीच की टकरार दोबारा से शुरू हो जाती है। तब शासन अब हंसते हुए कहता है कि वाटिसर डायन के बच्चे, तुम तो अब मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो, क्या तुम इस पावर लेवल से हम दोनों से फाइट करोगे? जिस पर लुएनफी भी हंसते हुए अब शासन को ज्वाइन कर लेता है। तब इन दोनों भाइयों के पावर से मिलने की वजह से ये वाइट सोलडाइन का बच्चा दबने लगता है, लेकिन फिर ये थोड़ा जोर लगाता है और इन दोनों को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक बड़े धमाके के साथ ये वाइट सोलडाइन का बच्चा और ये दोनों भाई ही पीछे हट जाते हैं। तब पीछे की ओर जाते हुए शासन कहता है कि लुएनफी, मजाक बहुत हो गया, चलो अब सीरियस होकर इस फाइट को खत्म करते हैं। जिस पर लुएनफी कहता है कि भाई, मैं इसे अकेले पीटना चाहता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो चलिए अब इस खेल को खत्म करते हैं। और इतना कह रहे ये दोनों भाई अब स्माइल करते हुए अपनी अपनी जगह से डिसअपेयर हो जाते हैं, जिसके बाद डिसअपेयर होकर सीधे इस वाइट सोलडाइन के बच्चे के पास प्रकट हो जाते हैं। तब इससे पहले कि वाइट सोलडाइन का बच्चा ये समझ पाता कि उसे आगे क्या करना है, ये दोनों भाई बिना कोई मौका दिए सीधे इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लुएनफी हाथों से धो रहा था तो शासन लातों से, ये दोनों भाई मिलके से इतना कूटते हैं कि इसका सुअर बन जाता है। अंत में शासन इसे इतना जोरदार पंच मारता है कि ये बड़े ही प्यार से होले होले आसमान की सैर करने लगता है। और अब इधर हम बाकियों को देखते हैं, जिन्होंने चारों ओर से इन दोनों किंग्स को घेर रखा था। यहाँ पे इन दोनों किंग्स की हालत देखिए, हमें पता चल रहा था कि नारायण वालों ने इन्हें बहुत ही तबीयत से कूटा है। तब ड्राइन सूर्य में सवाल करते हुए क्या था, क्या वो क्या तुम लोगों की फट गए? अगर नहीं फटी तो पीछे देखो, अब फट के फ्लावर जरूर हो जाएगी। जिस पर अब ड्राइन सूर्य की बात सुनते ये टाइगर किंग सीधे पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर इनका यंग मास्टर साक्षी पंच की वजह से अभी भी हवाओं में ही उड़ता जा रहा था। तब ये देखकर टाइगर किंग बहुत ही शौक होते हुए क्या था, इम्पॉसिबल, हमें किसी भी हालत में यंग मास्टर को बचाना होगा। और इतना कह दिए दोबारा से अपने सारे पावर से जनरेट करता हुआ अपने जाइंट टाइगर किंग फॉर्म में चला आता है, और आते ही सीधे सुप्रीम को दबोच के मार देता है। तब ये देखते ड्राइन सुप्रीम बहुत ही गुस्से में अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके बाद इसके पास आके सीधे अपना एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। तब ईगल किंग चिल्लाते हुए कहता है, जनरल वन, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ड्राइन किंग कहता है, ओहो, मारा इसे और चोट तुम्हें लगे, चिंता मत करो, इसे निपटाने के बाद तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।